हाथरस की घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। सर, जिस तरीके से दुखद घटना हुई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार और प्रशासन की भी एक लापरवाही, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और वहाँ पर नियमों के अनदेखी, एग्जिट गेट भी नहीं, जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए उस तरह के इंतजाम नहीं, जाँच का विषय है और महत्वपूर्ण अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आगरा और पुलिस कमिश्नर आगरा के द्वारा ये जांच की जाएगी कि परमिशन थी या नहीं थी तो क्या मापदंड देखे गए थे। मेरा निजी सुझाव हुआ कि जहाँ भी बड़े आयोजन होते हैं, जैसे मान लो महामहिम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उसके दो तीन दिन पहले देखा जाता डी है, कितनी ऊंचाई है, कितनी कुर्सी बैठेंगी, मंच मजबूत है, कहीं गड़बड़ नहीं सकता, एग्जिट एंट्रेंस, ऐसे ही जहाँ भी बड़ी गैदरिंग हो इन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। और मैं आजकल महसूस देख रहा हूँ स्वयं, क्योंकि मैं आगरा से एम पी हूँ, कि आगरा, एटा, फैजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और कासगंज जिलों में ये जो भोले बाबा हैं इनकी गैदरिंग लाखों में होती है और इसलिए वहाँ पर इंतजाम ठीक से होने चाहिए। अब इंतजाम कमेटी को भी ध्यान देना चाहिए था, भक्तों को ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोई आग नहीं लगी है, कोई गोली नहीं चली है, कोई पंडाल नहीं गिरा है, कोई आकाशीय बिजली नहीं गिरी है। तक भोले बाबा तक पहुँचने की अंधाधुंध भेड़ चालने और लेटने पर भक्तों नहीं, भक्तों को कुछ रहा है, किसी तीसरे ने ये काम नहीं किया, लेकिन सर इसकी जाँच हो रही है। लेकिन सर, इस सबके बीच में कहा जा रहा है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा उमस थी, इतना ज़्यादा जो है लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि भगदड़ के हालात बन गए और जो लोग वहाँ पर थे उनको सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अब मौसम किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कल कथा सॉरी सत्संग संपन्न हो जाता है, घटना नहीं होती तो हम लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वैसे उनके हजारों सत्संग हुए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हमेशा ध्यान रखना चाहिए प्रशासनिक लोगों को, इसको एक कथा या सत्संग नहीं समझना चाहिए, इतने बड़े भीड़ के लिए क्या इंतजाम किए हैं उसका बहुत ही परीक्षण करना चाहिए। इतने बड़े आयोजन के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और साफ तौर पर एसपी सिंह बघेल का यही कहना है कि अभी ये वो वक्त नहीं है जहां आरोप प्रत्यारोप किया जाए, लेकिन जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने को खोया है या जो पीड़ित हैं उनको कैसे जल्द से जल्द मदद मिल सकती है उस पर काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।